हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। और आज हम लोग इस वीडियो में 64वीं बीपीएससी का 17वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मद्रास नगर का संस्थापक कौन था? पहला का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस डे। वर्ष 1917 में गठित सेडलर आयोग में शामिल भारतीय सदस्य कौन थे? दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, एक से ज्यादा थे। कौन कौन थे? आशुतोष मुखर्जी थे और जियाउद्दीन अहमद। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र के नायक अग्निमित्र का संबंध किस वंश से था? तीसरा का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुंग वंश से। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? चौथा का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। पंचवर्षीय योजनाओं के काल अवधि के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? पांचवा का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति शब्द का जन्मदाता कौन है? छठा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम गॉड को माना जाता हरित क्रांति शब्द का जन्मदाता। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? सातवां का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स की। अंतरिम संसद का अस्तित्व कब समाप्त कर दिया गया? 8वां का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 17 अप्रैल 1952 को। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? नौवां का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1989 में। संविधान सभा में कौन सम्मिलित नहीं था? दसवां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से ज्यादा। ठीक है, महात्मा गांधी भी नहीं थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे। हड़प्पाई लोग निम्न में से किस धातु से अपरिचित थे? 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोहा। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई सिंधु सभ्यता में विद्यमान थी? 12 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जुआ। बिहार राज्य में स्थित उदवंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया था? 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल ने। पर्यावरण रक्षा से संबंधित चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चौदह का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, एक से अधिक। सुंदरलाल बहुगुणा भी इसमें शामिल थे और चंडी प्रसाद भट्ट भी इसमें शामिल थे। और ये आंदोलन शुरू हुआ था 1973 में। इसमें और भी लोग शामिल थे, कॉमरेड गोविंद सिंह राव और श्रीमती गौरा देवी। ठीक है, इन दोनों के अलावा। प्रसिद्ध वैष्णव संत शंकर देव ने निम्नलिखित में से किन किन भाषाओं में साहित्य की रचना की थी? पंद्रह का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल असमिया में। निम्नलिखित खनिज तेल क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोलह का सही उत्तर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। मतलब सभी सही सुमेलित है। दिग्बोई असम में, अंकलेश्वर गुजरात में, मुंबई हाई महाराष्ट्र में और नौरी मनम है तमिलनाडु में। निम्नलिखित एनटीपीसी केंद्रों में से कौन सा ताप आधारित नहीं है? 17 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरैया उत्तर प्रदेश।
जनवरी 2018 में क्षेत्रीय भारतीय प्रवासी दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? अठारह का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंगापुर में। 28 जुलाई 2018 में प्रथम भारत नेपाल थिंक टैंक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उन्नीस का सही उत्तर है ऑप्शन डी नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गांधी को। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं पाई जाती है? 21 का सही उत्तर है ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर में। 2001 से 2011 के दशक के मध्य बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? 22 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 25 से 30% के बीच में। श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ स्थित है? तेईस का सही उत्तर है ऑप्शन बी भागलपुर। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 24 का सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1956 में। मंडन मिश्र का संबंध किस जिले से है? 25 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सहरसा से। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 94,163 वर्ग किलोमीटर। बाल विवाह और दहेज विरोधी अभियान के समर्थन में बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन कब किया गया था? 27 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 21 जनवरी 2018 को। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? 28 का सही उत्तर है ऑप्शन सी कांगो। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? 29 का सही उत्तर है ऑप्शन ई। ठीक है, अंबेडकर को छोड़ के पैथिक लॉरेंस सर स्टोफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर तीनों ही थे। ठीक है, और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। ठीक है, फरवरी 1946 में। जनांगिकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तीस का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई एक से ज्यादा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नोटेस्टीन और थॉमसन दोनों ही। ठीक है, 1929 में थॉमसन ने और 1945 में नोटेस्टीन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नाभिक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है? 31 का सही उत्तर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बत्तीस का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। सेंट लॉरेंस नदी किस देश में प्रवाहित होती है? तैतीस का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ क्षेत्र दिया गया, एक तरफ जनजाति दी गई है। 34 का सही उत्तर है ऑप्शन डी मलेशिया में एटॉज नहीं रहते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 35 का सही उत्तर है ऑप्शन बी जुलाई 1856 में। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? 36 का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नागा महिला गोंडिल्यू को रानी की उपाधि प्रदान की गई। सैंतीस का सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उन्हें यह उपाधि दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है,
और 1982 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। बल निम्न में से किसका गुणनफल होता है? और 38 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान और त्वरण का। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? 39 का सही उत्तर है ऑप्शन ए पेप्सिन। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल कार्य करता है? चालीस का सही उत्तर है ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इकतालीस का सही उत्तर है ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। श्वेत सैनिक विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? बयालीस का सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंगेर में। दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति का संबंध किस स्थापत्य कला शैली से है? 43 का सही उत्तर है ऑप्शन बी मौर्य स्थापत्य कला। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अभयारण्य दिया गया, दूसरी तरफ स्थान दिया गया। 44 का सही उत्तर है ऑप्शन सी गोगाबिल पक्षी विहार। ये कहां पर है? कटिहार में, ठीक है। बाकी तीनों सही है, भीम बांध मुंगेर, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण और सरयामन पक्षी विहार बेतिया। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है? पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था। 45 का सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्णिया। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है? 46 का सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 47 का सही उत्तर है ऑप्शन सी इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करते हैं। निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों में निम्न में से कौन कौन से सम्मिलित थे? उनचास का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई एक से अधिक, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति था, जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होगा और पंचायती निकायों को पर्याप्त शक्ति और दायित्व मिले, ये तीनों शामिल थे, चौथा शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 50 का सही उत्तर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति सही है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति यह भी सही है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति यह भी सही है। अनुच्छेद 100 लोकसभा में राज्यसभा में गणपूर्ति यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इक्यावन का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी भाग 4 में मूल कर्तव्य, ये गलत है, बाकी सब सही है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 17 में राजभाषा है, भाग 20 में संविधान में संशोधन है, ठीक है। और भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? बावन का सही उत्तर है ऑप्शन डी मैथिली। भारत की किस मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तिरपन का सही उत्तर है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चौवन का सही उत्तर है ऑप्शन बी फजल अली, ठीक है, और हृदयनाथ कुंजरू उसके सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
55 का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ठीक है, कौन कौन नए सुमेलित है? सीमांत जोत 1 हेक्टेयर तक होता है, ठीक है, तो ये गलत है। और मध्यम जोत जो होता है 4 से 10 हेक्टेयर तक होता है, 4 से 10 हेक्टेयर तक, बाकी दोनों सही है। जाखम सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? 56 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? 57 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रास बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से कौन सम्मिलित हुए थे? अंठावन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपुल जयकर, बी.एस. मुंजे, सरदार उज्जवल सिंह एवं भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्टेडियम और शहर दिया गया है बिहार के। उनसठ का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगजीवन राम स्टेडियम बक्सर में नहीं है। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्ष व्यतीत किए थे? 60 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 वर्ष। बिहार में अवस्थित राजगीर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए गए हैं। इकसठ का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, इसे प्राचीन काल में राजगृह कहते थे। यहाँ जरासंध का अखाड़ा है, यहाँ गर्म पानी के जलकुंड है, यहाँ हिंदू बौद्ध और जैन तीनों का तीर्थ स्थल है। मंदार पहाड़ी पर निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है? बासठ का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विष्णु मंदिर। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 63 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1968 में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें तीर्थ भी कहते थे? 64 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 18। महाबोधि वृक्ष को प्राचीन भारत के किस शासक ने नष्ट कर दिया था? 65 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शशांक ने। एशियन गेम्स 2018 में महिला कबड्डी प्रतिस्पर्धा में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? छियासठ का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईरान। ठीक है, पुरुषों में भी ईरान ने ही जीता और दोनों में भारत को हराया। ऑस्ट्रेलिया के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? सड़सठ का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्कॉट मॉरिसन। हर घर को 24x7 बिजली से रोशन करने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा कब तक पूरा किया जाना है? 68 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1919 तक। पाकिस्तान का प्रथम ट्रांसजेंडर स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? 69 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाहौर में। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी वाइचिंग भूटिया ने किस नाम से राजनीतिक दल का गठन किया है? 70 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हमरो सिक्किम। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को प्राप्त पदकों में सर्वाधिक पदक किस राज्य के खिलाड़ियों ने जीते? इकहत्तर का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। किसी निजी कंपनी द्वारा गोद लिया गया भारत का प्रथम ऐतिहासिक स्मारक कौन सा है? बहत्तर का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल किला। ठीक है, एडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत इसको गोद लिया गया है। 100 अरब डॉलर की बाजार पूंजी वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन बनी? 73 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है? 74 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। तीन कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है,
समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय क्रमशः किस अनुपात में होंगे? 75 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6:4:3। मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत किए गए संशोधनों में महिलाओं के लिए कितने सप्ताह के प्रसूति अवकाश का प्रावधान किया गया है? 76 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 26 सप्ताह। ठीक है, पहले 12 सप्ताह था, अब उसको बढ़ा के 26 सप्ताह कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है? सतहत्तर का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीनदयाल स्पर्श योजना। समाचारों में चर्चित केयरिंग्स पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अठहत्तर का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरकार के एडॉप्शन पोर्टल से। चितले समिति किससे संबंधित है? 79 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा नदी की गाद साफ करने से। वर्ष 2017 का प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 80 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इक्यासी का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुटनिरपेक्षता। भौगोलिक स्थिति के अनुसार बिहार की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई एवं पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई क्रमशः कितनी है? 82 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 345 और 483 किलोमीटर। ग्रीष्म ऋतु के दौरान मार्च से जून के मध्य बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक गर्म रहता है? 83 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गया, और सबसे ज्यादा ठंडा भी गया ही रहता है। घाघरा नदी का प्रवेश बिहार में किस जिले में होता है? 84 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सारण जिले में। रागी मतलब मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? 85 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दरभंगा में। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? 86 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दरभंगा। पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड पीपीसीएल की स्थापना किस जिले में की गई है? 87 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोहतास में। चीनी उत्पादन में मात्रा की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? चीनी उत्पादन में मात्रा की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 88 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पांचवा। बिहार के कुल बिजली उत्पादन में ताप विद्युत का हिस्सा लगभग कितने प्रतिशत है, थर्मल पावर का? 89 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 82%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या वाला है? 90 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेखपुरा। बिहार राज्य में विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? 91 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 75 और 243। वर्तमान में बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 92 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12। कामेश्वर से संस्कृत विश्वविद्यालय कब और कहां स्थापित किया गया? 93 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1961 में दरभंगा में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 94 का सही उत्तर है वर्ष 1952 में। बिहार में गुप्त काल की कला का संबंध किस शैली से था? 95 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मथुरा शैली। प्रथम बिहार गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया था? 96 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिथि कंठ को। बिहार सरकार द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? 97 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2016 को।
आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई थी? 98 का सही उत्तर है ऑप्शन ए रोजगार सृजन को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगियों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं थे? निन्यानवे का सही उत्तर है ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सूची एक को सूची दो से मिलाना और सही कूट का चयन करना है। 100 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। निम्नलिखित में से किस संघ राज क्षेत्र में मुख्यमंत्री का पद है? 101 का सही उत्तर है ऑप्शन बी पौंडीचेरी या पुद्दुचेरी। कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? 102 का सही उत्तर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। भारत सरकार का प्रथम न्यायाधिकारी कौन होता है? 103 का सही उत्तर है ऑप्शन सी महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी है? 104 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 और 21 के अंतर्गत। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब सम्मिलित किया गया? 105 का सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको कि हम लोग लघु संविधान की संज्ञा भी देते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? 106 का सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है? 107 का सही उत्तर है ऑप्शन बी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? 108 का सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? 109 का सही उत्तर है ऑप्शन सी महाधिवक्ता। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? 110 का सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यसभा। उच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है? 111 का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? 112 का सही उत्तर है ऑप्शन बी माही नदी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? 113 का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। माउंट कोपा ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? 114 का सही उत्तर है ऑप्शन बी म्यांमार में। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? 115 का सही उत्तर है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है? 116 का सही उत्तर है ऑप्शन ए मिसिसिपी नदी। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा किसी अन्य देश की भौगोलिक सीमा को स्पर्श नहीं करती है? 117 का सही उत्तर है ऑप्शन डी हरियाणा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? 118 का सही उत्तर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शांत घाटी मतलब साइलेंट वैली से संबंधित है? 119 का सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल। अभ्रक का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? 120 का सही उत्तर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 121 का सही उत्तर है ऑप्शन बी हाजीपुर। वैश्विक कारोबार सुगमता सूचकांक निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? 122 का सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्व बैंक द्वारा।
किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप निम्नलिखित में से कौन सी है? 123 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। अनवरत योजना की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? 124 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुन्नार मेडल के द्वारा। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? 125 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2009 को। वर्ष 2017 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एक सौ छब्बीस का सही उत्तर है ऑप्शन सी, काजुओ इशु गुरो को। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 127 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1948 में। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? 128 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। बिहार राज्य का बजट का आकार 2018-19 के लिए कितना है? 129 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1,76,990 करोड़। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 130 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जल में अधिक विलेय होता है। बाकी तीनों सही है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। राजकोषीय घाटा है 131 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 132 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2005 में। पार्टिसिपेटरी नोट्स मतलब पी नोट्स निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? 133 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विदेशी संस्थागत निवेश से, ठीक है, और यह शेयर बाजार से संबंधित है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु निम्नलिखित में से क्या है? 134 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहजीवी कहलाते हैं, ठीक है। पौधे इन जीवाणुओं को आश्रय देते हैं। सिंकोना के किस भाग से औषधि का निर्माण होता है? 135 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, छाल से। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं? 136 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ट्रेकिया प्रणाली द्वारा। पौधों में जाइलम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। 137 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल परिवहन के लिए, ठीक है। इसका ट्रिक है जल से जाइलम और फूड से फ्लोएम, मतलब फ्लोएम जो होता है फूड के लिए, खाना के लिए होता है, और जल होता है जाइलम के लिए। मानव शरीर का तापक्रम 138 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नहीं जाड़ों में घटता है नहीं गर्मियों में बढ़ता है। वसा में घुलनशील विटामिन है। 139 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल और टोकोफेरॉल। वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? किड, के ई ए डी, ठीक है, विटामिन ए डी ई और के। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? 140 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर ने। यदि एक दुकानदार बैंक से 8,000 रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए ऋण लेता है तो उसे ऋण लौटाते समय कितना ब्याज देना पड़ेगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3,600। यदि एक ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या हो तो इसका मान सदैव होगा? 142 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक होगा। यदि एक त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो तो इस त्रिभुज को क्या कहेंगे?
143 का सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यूनकोण त्रिभुज। 50 विद्यार्थियों के क्लास में 4% छात्र जो है विशेष योग्यता के साथ पास होते हैं, 10% द्वितीय श्रेणी में और 26% तृतीय श्रेणी में, तो कितने छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए? 144 का सही उत्तर हो जाएगा। एक सौ चौवालीस का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 पुरुष हैं और 80 के पास डीएल है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच क्या अनुपात होगा? 145 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7:3। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 6:7 हो, तो ए अनुपात डी बराबर क्या होगा? ठीक है, अनुपात और समानुपात के नियम से निकल जाएगा। 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16:35। प्रथम पांच सम संख्याओं का योग बराबर है 147 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 30। ठीक है, इस पर मैंने एक ट्रिकी वीडियो भी बनाया हुआ है। ठीक है, प्रथम पांच सम संख्याओं का योग अगर निकालना हो तो 2 से लेकर 10 तक हो जाएगा। ठीक है, इसका योग निकालना है तो क्या करेंगे, 2 + 10/2, ये कितना आ जाएगा, 6, और कितनी संख्या है, × 5, ये बराबर 30, यही योग आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या के लिए आप लोग इसको निकाल सकते हैं, कितनी भी ज्यादा संख्या। यदि 2x + 3y अनुपात 3x + 5y बराबर 18:29 हो तो x / y का मान क्या होगा? 148 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3/4। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे? 149 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2870। किन्हीं दो घन पूर्ण संख्याओं के लस और मस क्रमशः 35 और 385 है। यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी? 150 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 175। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो इसी तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।